हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का हैप्पी होम चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अमेजन से नए कलेक्शन के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ आ गई हूँ। ये सभी प्रोडक्ट आप अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अमेजन से बाय करने के लिए लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, लिंक को क्लिक करके वहाँ से प्राइस को भी चेक कर सकते हैं, साथ में प्रोडक्ट के बारे में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिली किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आइटम है टावर रैक, जिसमें स्पेशली आप किचन में कुकिंग करते टाइम इसमें वेजिटेबल के ट्री को स्टोर करके रख सकते हैं, साथ में फूड के ट्री को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसे किचन काउंटर और डाइनिंग टेबल में रख सकते हैं, साथ में फ्रिज में भी इसे रखने के लिए यूज कर सकते हैं। यह अभी अमेजन पे अवेलेबल है। मल्टी फंक्शनल यह है स्पाइस ऑर्गेनाइजर रैक, जो बहुत ही प्यारा है। इस टाइप का आप फर्नीचर अपने किचन में भी बना सकते हैं स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। इसमें आप स्पाइसेस के साथ साथ केचप, सोया सॉस, वेनेगर इन सभी के बोतल को भी रख सकते हैं, साथ में नाइफ, स्पेचुला, चॉपस्टिक इन सभी को भी ऑर्गेनाइज करके इस रैक में रख सकते हैं। सिलिकॉन के बने हुए यह रेस्टर टूल, जिसे स्पेशली किचन में कुकिंग करते टाइम लिड और स्पेचुला को इस तरीके से इसमें रख सकते हैं, साथ में इसे इजिली क्लीन भी कर सकते हैं। फोल्डेबल ये है मिनी बास्केट, जिसे स्पेशली किचन के सिंक के होल एरिया में इसे वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इस बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसलिए आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। किचन कैबिनेट में बाउल और प्लेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए स्लाइडिंग ये है ड्रॉर, जिसे इस टाइप से इसमें अलग अलग इसमें रैक दिए हुए हैं, जिसमें बाउल और प्लेट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील के इसमें रैक लगे हुए हैं, जिसे स्लाइडिंग भी आप कर सकते हैं। यह है डम्पलिंग सीट, जिसमें आप मोमोज और गुजिया को कुछ इस तरीके से एक ही बार में बहुत सारे पीसेस को इसमें मोल्ड और डम्पल इस तरीके से कर सकते हैं, और एक ही बार में बहुत सारे मोमोज गुजिया बना सकते हैं। पुल आउट यह है स्लिम शेप के एग स्टोरेज रैक, जिसमें स्पेशली 7 से लेकर 8 पीसेस के अराउंड इसमें एग को इस तरीके से स्टोर करके इन्हें स्टैक्ड करके फ्रिज में और किचन काउंटर में रख सकते हैं। बकेट शेप का यह सीरियल कंटेनर, जिसे स्पेशली किचन काउंटर में इसमें सभी प्रकार के दाल और इसमें राइस को भी एक ही बकेट में इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर है और बटन की हेल्प से इसलिए सभी सीरियल को आप निकाल भी सकते हैं, साथ में इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये अमेजन पे अभी अवेलेबल है। बाथरूम में कमोड सीट के ऊपर इस्तेमाल होने वाला यह स्टोरेज रैक, जिसमें अलग अलग सेल्फी दिए हुए हैं। इसमें आप बाथरूम के सामानों को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, कमोड के अपर एरिया को भी आप यूज कर सकते हैं। 2-in-1 यह है मोमो मोल्डर सीट, जिसमें मोमोज और गुजिया को एक ही बार में 2 पीसेस के अराउंड इसमें इस तरीके से मोमोज गुजिया को मोल्ड कर सकते हैं। 3 tier का पोर्टेबल ये है स्पाइसेस रैक, जिसे स्पेशली किचन कॉर्नर में और साथ में बाथरूम में भी इस रैक को आप यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग सेल्फ में आप सामानों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कार में इस्तेमाल होने वाला ये है रोटेटिंग स्नैक्स सीट ट्रे, जिसे रोटेट भी कर सकते हैं और इसे स्पेशली कार में स्नैक्स को लेने के लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ये है पंप, जिसकी मदद से आप वाटर जार से इसलिए इस तरीके से वाटर को निकाल सकते हैं। किचन काउंटर में स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यह स्पाइस ऑर्गेनाइजर रैक, जो 3 tier और 2 tier में अमेजन पे आपको मिलेंगे। इसमें आप स्पाइसेस के साथ साथ किचन के अदर सामानों को भी कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एयरटाइट यह बास्केट, जो डबल लेयर के है, इसमें स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल को आप फ्रिज में रखने के लिए इन बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन पे अभी अवेलेबल है। वेजिटेबल यह है कटर, जिसमें वेजिटेबल को आप स्पाइरल शेप में इस तरीके से कट कर सकते हैं। 2 और 3 layer के यह है किचन ऑर्गेनाइजर रैक, जो मेटल आयरन के बने हुए हैं। इसे स्पेशली किचन काउंटर में किचन के सामानों को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इन रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी अमेजन पे अवेलेबल है, इन्हें ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। किचन की वॉल में इस्तेमाल होने वाले वॉल माउंटेड यह लिक्विड कंटेनर, जिसमें स्पेशली सोया सॉस, वेनेगर, ऑयल इन सभी को इस तरीके से स्टोर करके इसमें रख सकते हैं, कुकिंग करते टाइम कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एडजस्टेबल यह ऑर्गेनाइजर है, जिसे किचन काउंटर और कैबिनेट में सामानों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इन रैक का आप यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील से बना हुआ यह है स्क्वीजर, इसमें आप फ्रूट से कुछ इस तरीके से जूस निकाल सकते हैं, साथ में वेजिटेबल को भी इसमें स्क्वीज कर सकते हैं। वॉल को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यह है पेस्ट, जिसे कुछ इस तरीके से इस रोलर ब्रश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वॉल को रिपेयर करने के लिए।
वॉल माउंटेड ये है रैक जिसे फ्रिज के साइड में और वॉल में इसमें गार्बेज बैग को रखने के लिए इस रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजन पे अलग अलग प्राइस के गार्बेज ऑर्गेनाइजर रैक आपको मिल जाएंगे। कमोड सीट में इस्तेमाल होने वाला ये है सीट कवर, कुछ इस तरीके से आप अपने कमोड सीट में इसे लगा के अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल माउंटेड ये है स्टोरेज सेल्फ जिसे स्पेशली किचन की वॉल में बिना ड्रिल किए इन्हें लगा सकते हैं और इसमें सामानों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन में गैस का कॉर्नर हो या किचन का कॉर्नर हो, साथ में बाथरूम में कमोड सीट का कॉर्नर हो या वॉल का कॉर्नर हो, इन सभी एरिया में इस्तेमाल होने वाला सेल्फ एडहेसिव ये है टेप जिसे कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं जिससे आप अपने कॉर्नर में लीकेज होने से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाथरूम में सोप को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ब्यूटीफुल ये है सोप स्टैंड जो कुछ अलग अलग डिजाइन में आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने सोप को ऑर्गेनाइज करके बाथरूम में वॉल में और सिंक के साइड में रख सकते हैं। स्टील का बना हुआ केटल शेप का यह स्टेनर जग जिसमें स्पेशली इस्तेमाल किए हुए किचन में जो ऑयल होता है उसे आप इसमें रख सकते हैं। इसमें ऑयल को छानने के लिए स्टेनर का इसमें नेट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसमें आप ऑयल को इसलिए इस तरीके से छान सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वेजिटेबल यह ग्रेटर जिसमें बास्केट भी दिया हुआ है, इसमें आप वेजिटेबल को इसमें ग्रेट एंड स्लाइस करके स्टोर करके रख सकते हैं। साथ में इसमें अलग अलग ब्लेड्स दिए हुए हैं जिन्हें इस तरीके से सेट करके आप वेजिटेबल को अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें ग्रेट एंड स्लाइस कर सकते हैं। किचन के लिए बहुत ही यूजफुल है। ब्यूटीफुल ये है ग्लास के बने हुए स्नैक्स प्लेट जिसमें आप फ्रूट मोमोज और स्नैक्स लेने के लिए इन प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीपर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले लीफ शेप के यह क्लिप्स जो सेल्फ एडहेसिव है, इन्हें वॉल में कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं जिससे आप अपने प्लांट को वॉल में सपोर्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक यह फोल्डेबल मैट जिसे डाइनिंग टेबल में अपने फूड के जो ट्रे होते हैं उन्हें गर्म करने के लिए इस मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को कॉर्नर से चोट लग जाती है तो उन्हें बचाने के लिए यह ट्रायंगल शेप के कॉर्नर प्रोटेक्टर जिन्हें सेल्फ एडहेसिव करके कुछ इस तरीके से आप कॉर्नर में लगा सकते हैं। वॉल माउंटेड सेल्फ एडहेसिव यह है हुक जिसे स्पेशली वॉशिंग एरिया और बाथरूम के वॉल में इसे सेल्फ एडहेसिव करके लगा सकते हैं। इसमें अपने वाइपर और ब्रोम को इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। डोर को स्टॉप करने के लिए फ्लोर में इस्तेमाल होने वाला यह स्टॉपर जिसे कुछ इस तरीके से आप अपने डोर को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोर के एंट्री एरिया में इस्तेमाल होने वाला एंटी स्लिप यह है डोर मैट जो बहुत ही प्यारा है, सर्किल टाइप में है। इसे इस तरीके से आप इनसाइड और आउटसाइड सेट करके अपने डोर के एंट्री एरिया में लगा सकते हैं। इंडोर में इस्तेमाल होने वाला ब्यूटीफुल ये फ्लावर पॉट स्टैंड जिसे इस तरीके से आप अपने कॉर्नर में इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लावर पॉट को इसमें रखने के लिए। अमेजन पे अलग अलग प्राइस में स्टैंड अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ अमेजन के न्यू कलेक्शन के वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।